हेलो मित्रों, कैसे हो आप। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको इन्फिनिक्स नोट 11 का अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये मैंने 2 दिन पहले फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था नोट 11s। तो आइए हम इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है अंदर। वैसे तो मोबाइल ही मंगवाया था तो मोबाइल ही दिया हुआ होगा। फाइनली दोस्तों, मैं इसको खोल रहा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा पैकिंग दिया हुआ है। रियलमी और रेडमी से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इसका बॉक्स। ये उसका बिल है 12,000 का जो ऑर्डर किया था वो इनवॉइस। ये इसको बाहर निकाल कर देखते हैं। बॉक्स तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, प्रीमियम लुक दिख रहा है बॉक्स का। तो आइए बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, यह मोबाइल के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, इसमें सारे के सारे जो हाइलाइट्स फीचर है वो लिखे हुए हैं। सुपर अमोलेड डिस्प्ले, G88 प्रोसेसर, 33 वोल्ट का चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल का कैमरा। इसको साइड में रखते और आगे देखते हैं। बॉक्स में ये हमको कवर दिया हुआ है, इन्होंने बहुत ही अच्छा कवर दिया है। ब्लैक और सॉफ्ट लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट कवर है। रियलमी और रेडमी से तो काफ़ी अच्छा कवर दिख रहा है। और ये फ्री फायर का कुछ दिया हुआ है इनके स्केच कार्ड। ये एडेप्टर दिया हुआ है 33 वोट का। ये टाइप सी केबल और इनका वारंटी कार्ड और वो सब, ये सेम इजेक्ट टूल दिया हुआ है, वारंटी कार्ड और डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए हैं। और ये एक्स क्लब का डॉलर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो आइए इन सबको साइड में करते हैं और मोबाइल को देखते हैं, के चालू करते हैं मोबाइल को ऑन करके। क्या तो कलर है दोस्तों, मैंने इसको ब्लैक कलर में मंगवाया है, ग्रेफाइट ब्लैक कलर। काफ़ी अच्छा और शाइनी दिख रहा है। क्या बात है दोस्तों, इसकी 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले है। लुक तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इस पर आपके फिंगरप्रिंट के निशान नहीं पड़ेंगे। इसका जो बैक दिया है प्लास्टिक का बैक है, इसमें फिंगरप्रिंट के निशान नहीं होने वाले। आइए इसको ऑन करते हैं। दोस्तों, मोबाइल ऑन हो चुका है और क्या अच्छा शानदार लुक दिख रहा है मोबाइल का। बहुत ही स्लिम मोबाइल है, पकड़ने में भी कंफर्टेबल लग रहा है। इसके अबाउट में जाकर देखते हैं। माय फोन्स किधर है। हाँ, ये रहा माय फोन्स। जैसा कि आप देख सकते हो, एंड्रॉयड 11 पे बेस है और इसके यहाँ पे कुछ हाईलाइट फीचर लिखे हुए हैं। 4/64 वाला ये वेरियंट है जो मैंने परचेज़ किया है। इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा फास्ट है और फेस अनलॉक भी फास्ट ही है दोस्तों। दोनों के दोनों फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही फास्ट हैं इसके। दोस्तों, काफ़ी अच्छा लुक दिया है ऐसे मोबाइल का। और इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और जो मेन कैमरा है वो 15 मेगापिक्सल का है। आइए मैं आपको इसके कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ फ़ोटो के। पचास मेगा पिक्सल के कैमरा के तौर पे इसने फ़ोटो तो काफ़ी अच्छे लिए इन्फिनिक्स नोट 11 ने। अब हम इसका थोड़ा पबजी टेस्ट कर लेते। Thank you.
काफ़ी अच्छी चल रही है पबजी, इसमें G88 के प्रोसेसर के साथ, और इसका डिस्प्ले बहुत बड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे इसमें पबजी खेलकर। अगर आप ये मोबाइल लेना चाहते हैं तो 12-13 हज़ार के आसपास ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका इस मोबाइल के साथ। दोस्तों मैंने इन्फिनिक्स के साथ कुछ मोबाइल के स्पीड टेस्ट भी डाले हुए हैं, तो वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।